क्लास सिक्स सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर ध्यान से समझें। कह रहा है जब दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, उनका लासा 16 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 64। अब मासा कितना है? मासा इक्वल टू 60। इसके आधार पर ये लासा है। क्या है लासा? इसके आधार पर हमको मासा ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे मासा बराबर गुणनफल बटे लासा। तो गुणनफल हमको मालूम है 64 और लासा कितना है 16 क्या आ गया 4। तो लिखेंगे उनका मासा बराबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह दो संख्याओं का मासा 23 लासा 1449 है, ये दिन में से एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, दो संख्याओं का मासा 23 लासा 1449 एक संख्या 161, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। तो देखिए लासा कितना है? 1449। दूसरी संख्या लासा है 1449 इंटू मासा, मासा कितना है 23। प्रथम संख्या कितनी है? 161। तो देखिए ये 23 7 से कट जाएगा, 23 बन जाए 23 और 23 7 जा 161, 7 से ये नंबर कट जाएगा, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14,
फोर में जाएगा नहीं, ना जाने का जीरो, 49 सेवन सेवन या 49 याद रखा 207। तो लिखेंगे दूसरी संख्या 207 है, यही तुम्हारा आंसर। उसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 उनका लासा 204 हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 है। क्या दो संख्याओं का क्या दो संख्याओं का मासा 204 हो सकता है, 204 हो सकता है। तो हम लिखेंगे नहीं, उत्तर में क्या लिखेंगे आंसर में, नहीं, क्योंकि दो सौ चार 14 से विभाज नहीं है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 अब बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2560 लासा बराबर है 320 कह रहा है मासा ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे मासा बराबर
गुणनफल बटे लासा। तो गुणनफल कितना है 2562,560 और लासा कितना है 320। तो देखिए ये सिफर कट जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 8 16। ये नंबर आ गया 128/16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 2 4 8 से कट जाएगा, 8 1 8 8 8 64। तो ये आ गया 8। तो यहां लिखेंगे मासा बराबर 8 है, ये तुम्हारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यह दो संख्याओं का मासा तथा लासा 18 और 54 है, एक संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर जो 3 बताया था सेम उसी प्रकार से 6 वाला लगेगा। 7 वाला वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 100 to 137 को पूर्णतः विभाजित करते, इसके आधार पर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा पूरा विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 17 को बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 17 हो गया मासा, मासा बराबर 17। प्रथम संख्या वन हंड्रेड टू, दूसरी संख्या 187। इसके आधार पर लासा ज्ञात करना है, छोटी से छोटी मतलब लासा। तो यहां लिखेंगे लासा बराबर प्रथम संख्या 2 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
तो यहां कहते हैं कि लासा बराबर प्रथम संख्या 102, दूसरी संख्या 187, मासा 17। अब देखिए ये 17 से कट जाएगा, 17 हो जाए 17, 17 से जाए 102, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से जाए 42, 54, 6 से जाए 48, 48 52, बचे 5, 6 on the 6, 5, 11. तो लिखेंगे उनका लासा 1122 है। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर एट करा 95, 285, 399 के लघुतम समाप्त पद में इनका महत्तम समाप्त पद तक कितनी बार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर एट संख्या दी है 95, 285, 399 ये संख्या दी है। पहले तो इनका हम लासा निकालेंगे 95, 285, 399 देखिए ये दो नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट जाएंगे। कितने से हमने बताया 3 से 2 8 10 5 15 3 5 15 9 9 18 3 21 21 इसका योग आया 3 7 20 तो 3 से दो नंबर कट जाएंगे 95 3 9 27 बचे 1 यहाँ हुए 15 3 5 15 3 1 3 3 3 3 9 3 3 9 अब इसमें कोई भी नंबर 3 से नहीं कटेगा 5 से काट देंगे 5 5 5 5 4 45 5 9 45 यहाँ भी 99 रहेगा ये आ जाएगा 1333। अब देखिए अभी ये नंबर 7 से कट जाएगा 19 19 7 7 यहाँ 6 बचेगा 63 7 9 63। अब ये 19 से कट जाएगा 1 1 1 अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 × 7 × 19 3 × 5 = 15 15 × 7 = 105 × 19 19 × 95 के 5 बचे 9 19 से प्रम से पर 9 यहाँ आ जाएगा 19 × 19 तो लासा आ गया लासा बराबर 1995। अब इसी के आधार पर इनका मासा ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का मासा। तो देखिए 95 यहाँ रखेंगे 285 यहाँ रखेंगे 9 3 27 3 बार चला जाएगा 3 5 15 बचे 1 3 9 27 128 कुछ नहीं बचेगा। अब 95 को यहाँ रखेंगे अगला नंबर बचा 399 9 4 36 4 बार चला जाएगा 4 5 20 बचे 2 4 9 36 238 9 9 8 11 यहाँ कुछ नहीं बचेगा 95 यहाँ रखेंगे 95 95 ये कट गया तो मासा आ गया 19। कह रहा है लासा में मासा कितनी बार सम्मिलित है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1995/19 19 में जाएगा नहीं ना जाने 0 95 हो जाएगा यहाँ पर 95 कितनी बार सम्मिलित है
105 बार समझे, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कह रहा है 2211 2211 तथा 525 का मासा भाग विषय ज्ञात करके इसके आधार पर इनका इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं 2211 525 इनके आधार पर इनका फर्स्ट नंबर में हम क्या निकालेंगे मासा 2211। अगला नंबर दिया है 5025, 2 2 4 2 बार चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 इसको माइनस कर देंगे, 5 में 2 गए 3 2 में 2 गया 0 10 में 4 गए 6 2211। सिक्स 3 जा 18 3 बार चला जाएगा, 3 3 9 0 3